सत श्री अकाल की हाल चाल, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज मैंने सोचा चलो सिम्टम्स शुरू करते हैं, भाई यही बेटर है ना। और सिम्टम्स वाले एक और चीज को हम ऐसे ही करेंगे डेली बेसिस पे, या कभी ना कभी जैसे हमारा मन करेगा, जैसे टाइम मिलेगा। आज हम बात करते हैं पेट में दर्द क्यों होता है। देखो, मेडिकल कॉजेस तो बहुत है, बहुत है लिटरली, लेकिन हम आपको बताएंगे ज्यादातर केसेस क्या होते हैं। अगर हमारे पास पेट में दर्द के लिए पेशेंट आएगा तो हम कैसे सोचेंगे, है कि नहीं, ताकि आपको एक नॉलेज मिले कि आप समझें कि पेट में दर्द में क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पेन इन अब्डोमेन, शुरुआत करते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी, उसके बाद फिर आपके सवालों के जवाब भी हम जरूर देंगे। और जरूर 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 आप अपने सवालों की बौछार करते रहिए। एक आदमी एक ही सवाल पूछेगा, गलत बात ना करिएगा और क्या बोलते हैं, अननेसेसरी सवाल ना करें, इंपॉर्टेंट सवाल करिए, जरूरत पड़ने पर सवाल करिए, पेन इन अब्डोमेन पर सवाल करिए, ज्यादा बेहतर होगा। राइट, तो तब तक मैं अपना वीडियो खोल लेता हूं ताकि हमें तब तक हमें पता चले। पहला सवाल है साकिब मुगल जी का। साकिब मुगल जी का सवाल हमने पकड़ लिया, लेकिन हम पेन इन अब्डोमेन शुरू करते हैं। हमारे पास पेशेंट आया, उसने कहा सर पेट में दर्द हो रहा है, तो हमारा सबसे पहला सवाल होता है कहां दर्द हो रहा है। कि पेट में एक्चुअली पेट को डिवाइड किया गया, पेट बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे एक शहर बहुत बड़ा हिस्सा है, दिल्ली में कहां बम फूटा तो हम पूछेंगे कहां फूटा भाई, द्वारका में फूटा, ईस्ट में, वेस्ट में, सेंटर में, कहां फूटा। वैसे ही पेट में दर्द कहां हो रहा है, इससे पता चलता है कि किस ऑर्गन में, किस जगह में, किस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर पेट में दर्द ऊपरी हिस्से में हो रहा है, जस्ट एब्डोमेन के नीचे, यहां पर जहां जस्ट आपके रिब बोन के नीचे, तो यहां पर जो दर्द है वहां वो हो सकता है गैस का दर्द, वहां ये दर्द हार्ट का हो सकता है, यहां पर ये दर्द हो सकता है, यहां पर आपकी पैनक्रियाज ग्रंथि है। पैनक्रियाज का मतलब होता है आपकी जो पित्त की थैली जो होती है गॉल ब्लैडर के साथ, पैनक्रियाज जुड़ के आपकी जो बाइल और पैनक्रियाज एमाइलेज लाइपेज एंजाइम बनाते हैं जिससे फैट एब्जॉर्ब होता है, फैट गलता, तो वो यहां पर काम, यहां पर पैनक्रियाज का दर्द हो सकता है, यहां गॉल ब्लैडर का भी कभी कभी दर्द हो सकता है। और ये हो गया, ये हुई बात, ज्यादातर दर्द इन चीजों के होते हैं यहां पे। तो हमारा अगर यहां पे दर्द है तो सवाल होगा अगला कि ये दर्द यहां से कहां जाता है। अगर वो कहेगा यहां से दर्द सीधा पीछे पीठ में जाता है, पीठ में बहुत जोर से दर्द होता है और जोरदार दर्द होता है, तो ये पैनक्रियास का दर्द हो सकता है। पैनक्रियाटिक पेन, पैनक्रियाटाइटिस, क्रोनिक एक्यूट, इस तरीका का होता है, बहुत तेज होता है। अगर कहता है कि खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, हमेशा खाने से रिलेटेड है, तो फिर ये अल्सर्स हो सकते हैं, गैस पेट में अल्सर हो सकता है, स्टमक अल्सर्स, ड्यूडेनल अल्सर हो सकते हैं, खाना खाने के पहले वाला, खाना खाने के बाद वाला, दोनों में भी ये अल्सर्स हो सकते हैं। यहाँ पर अगर छाती में दर्द है वो अलग है, वो हार्ट के लिए आएगा। पेट की दर्द की बात कर रहे हैं, छाती के दर्द, हार्ट और बहुत सारे कारण, इसोफेजियल स्पाज़म, कोस्टोकोंड्राइटिस, मस्कुलर पेन, बहुत सारी चीजें हो सकती है। यहाँ पे दर्द ये हो गया, ठीक है, गैस हो गया, पैनक्रियाटाइटिस हो गया, और आपका मेन चीज होती है जो हार्ट का दर्द, हार्ट के दर्द को भी रूल आउट करना पड़ता है। अगर इससे हटके वो कहेगा राइट साइड में दर्द है, अब ये आपको लेफ्ट दिख रहा होगा पर है हमारा राइट, नहीं ये लेफ्ट है, सॉरी ये लेफ्ट साइड है, अगर कहेगा लेफ्ट साइड में दर्द है, ये राइट है, राइट साइड में मैं भी शीशे में देख रहा हूं तो मुझे कंफ्यूज हो गया, वहां पे राइट दिख रहा है मुझे क्या हो रहा है। एनीवेज, तो ये राइट साइड में, अगर राइट साइड में यानी एब्डोमेन के अपर राइट साइड में दर्द है, तो राइट साइड में भैया होता है लिवर, तो लिवर और गॉल ब्लैडर, उसमें दिक्कत हो सकती है। सो लिवर में सूजन होना, हेपेटाइटिस होना, लिवर में खुद में सेंसेशन नहीं होती, लेकिन लिवर बड़ा हो जाए तो उसका कैप्सूल स्ट्रेच होकर दर्द हो सकता है। तो हमारा दिमाग चलेगा लिवर, तो हम पूछेंगे लिवर का टेस्ट तो नहीं कराया, लिवर के एंजाइम्स कैसे हैं, लिवर में कोई डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है क्या, खाना खाते हैं तो ब्लोटिंग होती है क्या, उसके साइंस एंड सिम्टम्स में सोचना शुरू होगा। गॉल ब्लैडर में सोचना शुरू होगा, गॉल ब्लैडर का कभी अल्ट्रासाउंड करा, पथरी तो नहीं है, है ना, कोई मील स्किप को नहीं करते, बहुत ज्यादा उपवास तो नहीं रखते, स्किपिंग मील्स, इंटरमीडिएट फास्टिंग या फास्टिंग या कीटो डाइट, या बहुत ज्यादा वजन लॉस कर लेने से एकदम से जल्दी से गॉल ब्लैडर के स्टोन के रिस्क बढ़ जाते हैं, तो उन केस में हम फिर अल्ट्रासाउंड कराएंगे कि गॉल ब्लैडर लिवर का हाल कैसा है। लिवर को पालपेट किया जा सकता है, पालपेशन से इन्हें दबा के देख सकते हैं, लिवर की लोअर एज फील होती है, पता चलता है लिवर बड़ा है या नहीं है। लिवर पे टेंडरनेस देखी जा सकती है, लिवर पे दबा के या मार के देख सकते हैं, ऐसे ऐसे मार के कि भाई वहां दर्द तो नहीं हो रहा, टेंडरनेस तो नहीं है, तो ये सब चीजों से कुछ आइडिया मिलता है पेन किस चीज का है।
राइट साइड हो गया, सेंटर सेंटर हो गया, राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में ज़्यादातर तो कुछ खास नहीं, स्प्लीन होती है, स्प्लीन के प्लेन ज़्यादातर नहीं, तो स्प्लीन भी बड़ी हो सकती है मलेरिया में, हीमोलेटिक डिजीज में, जब खून टूट रहा है तो खून के सेल्स, राइट ब्लड सेल्स टूट के स्प्लीन में जाते हैं, स्प्लीन बहुत बड़ी हो रही है तो कभी कभार पेन हो सकता है, या इंजरी हुई, चोट लग गई, उससे हो सकता है। ऑब्वियसली हर जगह पेट में कहीं भी दर्द हो रहा है, चोट एक कारण हो सकता है, चोट तो नहीं लगी, गिर तो नहीं गए थे, गलत सो तो नहीं गए, राइट, कुछ चीज़ यहाँ तक के सो तो नहीं गए, ऐसी चीज़ें जरूर जरूर देखनी होती है। मान लीजिए अब दर्द हुआ है इसके अलावा एकदम नीचे नीचे लोअर राइट क्वाड्रेंट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट में दर्द हुआ है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट क्वाड्रेंट दोनों में देखा जाता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट यानी लाइट सबसे नीचे यहाँ पर, तो मैं खड़े होकर दिखा क्या क्या करना है, ऐसे राइट लोअर क्वाड्रेंट में अगर दर्द हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दर्द है राइट लोअर साइड में, इसमें क्वाड्रेंट में क्या है, ये तो एपिगैस्ट्रिक है सेंटर में, तो इसको 9 में डिवाइड किया गया है, ऐसे चार लाइन मार के, जैसे वो जिगजैग नहीं खेलते अपन क्रॉस वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में हुआ है तो वहां पर जो है ना अपेंडिसाइटिस का पेन हो सकता है, अपेंडिक्स का, ओवरीज का, और फीमेल्स में ओवरीज होगा, या हर्निया, हर्निया का पेन हो सकता है। तो अपेंडिक्स का जो पेन होता है वो दबाने से और फिर एकदम से छोड़ने से, रिबाउंड टेंडरनेस होता है, दबाया और छोड़ा तो रिबाउंड, क्योंकि अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड होता है, सूजा हुआ होता है, सूजी हुई चीज जब अंदर ही हिलती है, रिबाउंड से छोड़ते हो तो हिलने में बहुत जोर से दर्द होता है, बहुत जोर से होता है, वो फिर अपेंडिक्स हो सकता है। रिबाउंड टेंडरनेस क्लासिकल भैया, रिबाउंड टेंडरनेस है तो तुम्हें बिल्कुल सोचना नहीं है, अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है, तुम्हें है अपेंडिक्साइटिस, अपेंडिक्स तो सबको होता है, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस, ठीक है। और ओवरीज, यहाँ पे अगर ओवरीज बड़ी है तो कई बार ओवरी फील हो सकती है, पेट में बीच में भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है फीमेल्स में, तो फीमेल्स में ओवरी का पेन यहाँ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ऐसा देखना पड़ता है। तो फीमेल्स में सवाल बहुत ज़रूरी आ जाता है कि मेंसेस सही है कि नहीं है, आपके पीरियड्स रेगुलर है कि इरेगुलर है, देख के पता चलता है फीमेल ज़्यादा मोटी है, ज़्यादा मोटी है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हाँ इसमें हो सकता है कि इनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तो नहीं है, इनको थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब उसका ज़्यादा नहीं, बट बाकी सारी बीमारी भी सोचनी पड़ती है, डाइट वाइट बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी पेट का समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर राइट साइड में ये हो गया, सेंट्रल और लो, सेंटर और लो में कई बार फीमेल और यूट्रस, यूट्रस होता है तो यूट्रस में फाइब्रॉइड, रसौली, ओवेरियन सिस्ट, कोई डर्मोइड सिस्ट, ये सिस्ट, वो सिस्ट, बहुत सारे सिस्ट होते हैं जो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है, और लेफ्ट साइड में, लोअर साइड में भी हमारे सिस्ट हो सकते हैं, ओवरीज में प्रॉब्लम हो सकती है। फीमेल्स में ज़्यादातर लोअर साइड में पेन होता है, और मेल्स में अगर लोअर साइड में पेन हो रहा है तो दैट इज़ मोर कॉमनली हर्निया, हर्निया ज़्यादा काजेज होती है, या फिर हर्निया होने के चांसेस हो रहे हैं ऐसा होता है। फिर उसके थोड़ा ऊपर आए बीच वाले साइड में, बीच वाले साइड में जब पेन होता है बैक साइड में, राइट या लेफ्ट, इसके जो इसको कहते हैं लंबर रीजन, लंबर रीजन या ओवर थोड़ा पीछे हुआ, तो ये जो पेन होता है यहाँ से ऐसे पीछे जाने वाला या आगे आने वाला, ये किडनीज का हो सकता है, किडनीज का हो सकता है, हमेशा नहीं है, किडनीज का ज़्यादातर, किडनी का पेन जो होता है ऐसे पीछे से आगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे ऐसे जा सकता है, ठीक है, किडनीज का पेन, किडनीज का पेन यहाँ हो सकता है, और किडनी से पेशाब की नलियां आती हैं तो पेशाब की नली वाला पेन जो है किडनी से ऐसे नीचे जाएगा, नीचे कैसे जाएगा, आवाज़ नहीं आएगी फिर जाएगा जस्ट किडनी, तो ऐसे नीचे जाएगा, वो नीचे जाएगा, उसको कहते हैं यूरेट्रिक कोलिक। कोलिक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ऐसा है कि रास्ता बंद है तो प्रेशर वाला पेन है, जैसे पाइप बंद होता है तो मानो पाइप, पानी के पाइप में अगर जान होती है और आगे से आपने दबा दिया तो वो क्या करेगा, जानीरा, तो ये टाइप का कोली की पेन होता है, जा क्यों नहीं रहा, वैसे फिर वो पेन होता है, आ आ आ पानी क्यों नहीं जा, यूरिन क्यों नहीं जा रहा, वैसे तो ये ऐसे नीचे जाता है, स्क्रोटम तक जा सकता है, स्क्रोटम मतलब पता है ना अंडकोश, स्क्रोटम तक जा सकता है, और किडनी वाला पेन यहाँ से ऊपर से पीछे, और ये वाले साइड में यहाँ पे जा सकता है, उस केस में पीछे एक रीनल एंगल होता है, रीनल एंगल होता है, अब वैसे नहीं बता सकता, आप इंटरनेट पर गूगल पर टाइप करो रीनल एंगल, तो ऐसे आपको एक डायग्राम करके आएगा, वो रीनल एंगल, उस रीनल एंगल पे दबाने से पेन होता है, रीनल एंगल टेंडरनेस देखा जाता है, तो किडनी पे सूजन बाहर से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, और फिर ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं इन सब चीज़ों को कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो ये हुई ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर आई होप कई चीज़ें मिस, देखिए पेट में और बहुत कुछ है, पेट में इंटेस्टाइन है, 6 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में सूजन हो सकती है, वहाँ पे नीचे उसके लिम्फ नोड्स में सूजन हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में दर्द हो रहा है तो वहाँ पर सीकम होता है, नहीं राइट में ही होता है, राइट में सीकम और इलेम होता है, वहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, वो एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस का होता है, पीठ में दर्द हो सकती है, पीठ के दर्द कभी कभी बैक पेट में भी फील हो सकते हैं, क्योंकि पीठ के इस केस में
और बहुत सारी कारण हो सकते हैं, इवन मोस्ट कॉमन रीजंस बताएं आपको इसके ऊपर, फिर अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ेगा, कभी कभी सीटी स्कैन करके, कभी एमआरआई करके, ब्लड टेस्ट करके, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, यूरिन रूटीन, माइक्रोस्कोपी, है ना, ये सब करके, ईएसआर और एचएससीआरपी, ये सब देख के हैं कि इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, लिवर किडनी का फंक्शन कैसा है, क्या प्रॉब्लम है कि आपको पेट में दर्द हो रहा है, और उसके हिसाब से शुरू होती है आपका इलाज। सो अगर आप खुद के लिए पेट के दर्द के लिए दवा खाते हो तो मत खाया करो। एंटीबायोटिक या मेट्रोनिडाजोल खा लेते हैं हम, तो कभी ये खा लेते हैं, कभी नॉरफ्लॉक्स टी खा लेते हैं, कभी ओफ्लॉक्स टी खा, कभी ओ टू खा लेते हैं, कतई मत खाया करो, हाथ जोड़ के बेनती है, आप सिर्फ खराब करोगे अपने बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया खराब करोगे और रेजिस्टेंस डेवलप करोगे, हमारी ऐसी तैसी करोगे, क्योंकि भाई साहब डॉक्टर को मुश्किल हो जाती है, फिर वो दवा असर नहीं करती दूसरे पेशेंट में, हमारे बारे में सोचो या अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनके टाइम पे कौन सी एंटीबायोटिक देंगे हम या फिर दूसरे डॉक्टर, है कि नहीं। सो खुद से एंटीबायोटिक मत लो, एंटी कोलिनर्जिक यानी कोलिक के लिए पेन वाली दर्द की दवाएं ले सकते हैं आप, प्लेन सिंपल पैरासिटामोल खा सकते हैं, पैरासिटामोल से पेन रिलीफ हो जाएगा, या फिर एंटीस्पाज्मोडिक ड्रोटावरीन, ड्रोटिन जैसी दवा आप खा सकते हो, वो भी आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे। पैरासिटामोल तो एक आधी बार खा ही सकते हो अगर लिवर ठीक है तो, लिवर ज्यादा खराब है तो चॉकलेट की गोली जैसे मत खाने लग जाना, वो फिर पेट लिवर खराब हो जाता, लिवर हो जाता है, ठीक है। तो ये हुई बात आपको बताने वाली पेट दर्द की, आई होप अच्छी लगी, भाई ये तो बहुत अच्छी लगी होगी, लगी होगी पक्की बात है, लाइक कर दो, 125 लोग लाइव है और आगे जितने लाइव आएंगे भैया लाइक करके जाना, नहीं कर पाप लगी माता रानी पाप देगी, वट एवर इट इज, ओके। और क्या है ये, चलो अब सवाल शुरू करते हैं, पहला सवाल, अभी 10 सवाल के जवाब रैपिड फायर से देते हैं और उसके बाद एब्डोमिनल पेट के दवा सवालों को रेडी रखिएगा, ऑलराइट। पू जय माता दी। साकिब, सत श्री अकाल सर, एज 22, हाउ कैन आई ट्रीट कैंडिडा? भाई कैंडिडा एक फंगस है, फंगस को एंटीफंगल दवाई देनी ही पड़ेगी, ये डिपेंड करता है कैंडिडा कहाँ है, वहाँ के लिए उसके हिसाब से दवा होगी, अगर कैंडिडा मुंह में है तो ओरल दवा खानी पड़ेगी, अगर स्किन में है तो दवा लगा सकते हो, राइट। सजेस्ट वेटरिन आई ऑलवेज हैव वाइट लेयर ऑन माय टंग, अगेन खानी पड़ेगी ओरल, उसके लिए आप कृपया ENT स्पेशलिस्ट को दिखाओ, वो देखेगा, ENT या फिर डेंटिस्ट को दिखाओ, वो आपको उसके हिसाब से दवा देगा, कृपया क्षमा करें, मैं दवा यहाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, एजुकेशन नहीं, ट्रीटमेंट नहीं है, क्लिनिक नहीं है, क्लिनिक में आएंगे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ नहीं, ओके। ऑल राइट, बेंते सुल्तान जी को हाय, टेस्टोस्टेरोन 200 है, नॉर्मल है क्या? एज 20, नहीं जी 200 है नॉर्मल नहीं है, कम है, आप कृपया टेस्टोस्टेरोन वाला वीडियो देखो, बढ़ाने की कोशिश करो और एक आध महीने के बाद फिर से टेस्टोस्टेरोन लेवल करो, इस बार सुबह 8 बजे कराना, खाली पेट कराना, हो सकता है ज्यादा आए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू भी ऐसे 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 फ्लक्चुएट होती है, हो सकता है आपने शाम को कराया, दोपहर को कराया जब आपका टेस्टोस्टेरोन कम था, अभी आप सुबह 8 बजे कराना, उस समय टेस्टोस्टेरोन ज्यादा आ सकता है, ओके। और फ्री और टोटल दोनों कराइए, ऑल राइट। और किसी भी प्रकार के उल्टे सीधे दवा और उल्टे सीधे लोगों से दूर रहिए, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं सर। और हर जी एक दवा, एक सवाल पूछिए भाई साहब। गगनदीप सर, रनिंग करते टाइम पानी का पी, पानी के पिंपल हो जाते हैं, रनिंग करते टाइम पानी के पिंपल हो जाते हैं, पानी के पिंपल है, पानी के पिंपल को सिस्ट कहते हैं, और सिस्ट जो है रनिंग से नहीं होते, रनिंग से आने वाले पसीने से होते हैं, पसीने से आने वाले के, पसीने के आने के बाद आपके जो स्वेट ज्यादा आता है वो पसीना आपने नहीं पोचा, आपको नहीं आता कि आप अपने स्किन की देखभाल कैसे करें, इस वजह से पिंपल होते हैं, बात समझे। तो रनिंग की गलती नहीं है, गलती है कि आपको पता नहीं है कि स्किन की देखभाल कैसी करनी है, कैसी करनी है स्किन की देखभाल, ये मैं यहां पे आधे घंटा बैठ के नहीं बता सकूंगा, नीचे जाइए, नीचे लिंक दिया है एक्नी के 4 वीडियोस हैं, बैठ के बढ़िया से देखिए, चाहिए तो पेपर पेन लेके लिखिए, उसको फॉलो करिए और फिर हमसे बोलिएगा कि भैया हमको नहीं समझ रहा, ठीक है, समझेगा, बहुत आसानी से समझेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में वीडियोस है। अंडर आर्म स्वेट बहुत होता है, इट्स कॉमन, इट्स नॉर्मल, नथिंग टू वरी, ये बहुत सिंपल सी चीज है, हाइजीन की बात है, बाल वाल ज्यादा है तो बाल कम कर लो, ढीले ढीले कपड़े थोड़े पहनिए, गर्मी में स्वेट आ सकते हैं, सर्टिंग सेटिंग में बदबू आ सकती है, नथिंग टू वरी अबाउट इट, उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से एंटी परस्पिरेंट स्प्रेज ले सकते हो, कुछ क्रीम्स आती हैं वो लगा सकते हैं, सॉरी मैं अभी नाम वाम नहीं, मेरे को ये सब ये तो वाले काम पेशेंट ये मेरे को नहीं आते, ठीक है, ये क्या है, स्प्रे लगा लो, कुछ भी लगा लो, ऐसे थोड़ी है, वो एंटी परस्पिरेंट आते हैं, एक तो डीओ आते हैं, एक एंटी परस्पिरेंट, एंटी परस्पिरेंट कोई भी लगा लो, एंटी परस्पिरेंट जाके पूछोगे तो दे देंगे वो लोग, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और अगर अति पसीना आता है तो फिर आपको दवाई खानी पड़ सकती है, वो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट देंगे आपको। सर क्यों दिन दिन क्या, सर क्यों दिन पे दिन वेट कम हो जा है, क्या बोल रहे हो मेरा, नहीं भाई साहब वेट नहीं कम हो रहा, वेट उतना ही है,
सिर्फ अपनी फैट थोड़ी सी कम कर लेते हैं, हम करनी पड़ती है यार। अब लोग बोलेंगे तुम कैसे मोटे है कि नहीं, हम बोल रहे हैं मोटे और तुम बोलेंगे तुम कैसे मोटे। इसलिए ऐसे कुछ नहीं यार, ठीक है बढ़िया। अपन अभी तो एक्सरसाइज नहीं हो रही, इतने दिन से मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है इतना। आज मेरे पे था सा कि लाइव आओ कि एक्सरसाइज करो, मैं कहा चलो लाइव एक्सरसाइज बाद में कर लेंगे। सोचा अभी इसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, मारेंगे हमारे घर वाले। एनीवेज सर क्यों, अच्छा कैन आई ड्रिंक बीट रूट एंड टोमेटो जूस डेली? जूस क्यों पीना है तुमको? बीट रूट खा लो, टमाटर खा लो, क्या दिक्कत है? जूस बना के पीऊंगा क्यों? पी सकते हो, कोई बुराई नहीं है, पी सकते हो भैया आप। तुम ऐसा करो चिकन का जूस बना लो, तुम चिकन थोड़ा चिकन नहीं खाते हो ना, आलू गोभी टमाटर भिंडी सबको रगड़ के एक साथ पी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जूस क्यों पीना है, क्यों पीना है? चबा नहीं सकते हो? चबा सकते हो ना, फाइबर चाहिए भैया। बीट रूट में अच्छा फाइबर होता है, फाइबर चबा के खाओ, बीट रूट छोटा छोटा करके खाओ, है ना, क्या दिक्कत है? अगर आपको अच्छी बेनिफिट चाहिए डेली खा सकते हो, बट तरीका बेस्ट जूस नहीं है। जूस करते वक्त भी उनके न्यूट्रिशन काफी डैमेज होते हैं, डू यू नो दैट? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जूस से बेटर अगर खा सकते हो तो खा लो, कभी कभार जूस पी लो, कोई दिक्कत नहीं किसी भी चीज का। सिस्ट डिसॉल्व होने के कितने में है? आपका आपका नाम बड़ा अच्छा है, एजुकेशन इज अ की टू सक्सेस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिस्ट डिसॉल्व होने का बताइए, क्योंकि आप सिस्ट कौन सा सिस्ट? ये एक्ने का भी सिस्ट होता है, पीछे यूरिन ओवरीज में भी सिस्ट होता है, कभी कभी इसमें हाथ में, कभी सर में सिबेशियस सिस्ट, वो भी होते हैं। ओवरीज का फॉलिकुलर सिस्ट का एक डिटेल वीडियो है हमारा, वो जाके देखिए, उसमें बताएंगे आपको होता क्या है, कैसे और कैसे आता है, ठीक है जी। ऑल राइट अबाउट फ्लैक्सीड इन समर, जी फ्लैक्सीड खा सकते हो, कृपया इस चीज़ से बिल्कुल डरे ना, इस पर वीडियो बना सकते हैं, है कि नहीं, कौन कौन सी चीज़ समर में खानी है नहीं खानी है, अच्छा है बताऊँगा। लेकिन हाँ, अंडा भी खा सकते हो, फ्लेक्सीड भी खा सकते हो, एग येलो भी खा सकते हो, घी भी खा सकते हो, बटर भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंडीशन। गर्मी से कोई लेना देना नहीं है, वो हाई कैलोरी फूड है, हाई कैलोरी फूड ज्यादा खाओगे तो हीट ज्यादा जनरेट होगी, पानी चाहिए आपको उसके साथ, और डिवाइड करके खाओ, बांट के खाओ, बांट के मतलब दूसरे को बांट के नहीं है, अपने दिन भर में बांट के, दिन भर में मतलब एक साथ मत खाओ, दिन में चार घंटे में थोड़ा थोड़ा खाओ, ऐसे खा सकते हो। मच्चा ग्रीन टी क्या वेट लॉस करती है? कतई भी नहीं। ग्रीन टी पे मेरा डिटेल वीडियो है, ग्रीन टी बाय डॉक्टर एजुकेशन, यूट्यूब पे टाइप करिए, गजल जैसी आवाज, गजल जी आपको वीडियो मिल जाएगा। वो एज है मेरा, वो एज है आपका, कौन सा एज है आपका, क्या मैं समझा नहीं, वो एज है क्या लिख रहे हो? एनीवेज दीप हजारी, बहुत ज्यादा गैस बनती है, बार बार डकार आती है, चेस्ट में पेन होता है, ईसीजी एक्सरे, ईसीजी और चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, आप एंडोस्कोपी कराइए भाई साहब, एंडोस्कोपी कराइए, इट्स टाइम, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मिलिए, सुपर स्पेशलिस्ट हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट उस चीज़ के। गैस के बारे में हमारे वीडियोस भी हैं, वो देखिए अगर जानकारी चाहते हैं तो। नीचे डाइजेस्टिव हेल्थ के वीडियो है, पकड़ के सारी सीरीज देख डालिए और उसको फॉलो करिए, ठीक है। मेरा पीरियड खत्म होने के बाद भी लोअर एब्डोमिनल पेन, लाइट पेन होता है, ऐसा क्यों? कई बार पेरीमेंस्ट्रुअल पेन हो सकता है, पीरियड खत्म होने के बाद कुछ दिन तक क्रैम्प्स रह सकते हैं, आपका यूट्रस को लगता है कि और थोड़ा सा निकालना है, और थोड़ा सा निकालना है, और थोड़ा सा निकालना है, तो वो एक दो दिन तक, ज्यादा दिन तक क्रैम्प्स रह सकते हैं, दैट इज ओके, दैट इज नॉर्मल। अगर आपको डाउट है तो एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देख लो कि वहां नीचे कोई और चीज तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई दूसरी चीज तो नहीं है, ठीक है, बाकी ज्यादा चांसेस है आपका ये नॉर्मल है, ठीक है, नथिंग टू वरी। सर पेन इन लोअर एब्डोमेन डेली फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स, लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराओ, टेस्ट कराओ जो मैंने ऊपर बताए, ठीक है, और गो टू अ डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या सर्जन, ठीक है, उससे डायग्नोसिस होगा। हाई फाइब्रॉइड्स है, फाइब्रॉइड का इलाज है ऑपरेशन, और कोई इलाज नहीं है। दैनिक फार्मा का न्यूट्रो कैबालिस कैसा है? आई हैव नो आइडिया, आई डोंट ट्राई दैनिक फार्माज न्यूट्रो कैबालिस, आई डोंट रिकमेंड एनी फार्मा और एनी अदर राइट प्लेस, ठीक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज आपसे करवाना है सर जी, करवाओ जी, हम मना नहीं करते, उसके लिए आके मिले ऑनलाइन कंसल्ट करो, ई हाँ नहीं, ठीक है जी, ई हाँ नहीं, उसके लिए नीचे लिंक में वो दिया जाएगा आपको नंबर। सर बीपी 130-95 रहता है, मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ, प्लीज गाइड, या तो गाइड का बुक दे दूं अभी, ऐसे थोड़ी समझा सकते भैया, यू नीड टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये जगह स्पेसिफिक सवाल के लिए, एक छोटा सवाल जिसका जवाब 2 मिनट में 1 मिनट में दिया जा सके, इसका सवाल का जवाब कैसे दें, है कि नहीं। इसके लिए आप हमारा साइंस ऑफ सप्लीमेंट, साइंस ऑफ एक्सरसाइज का वीडियोस देखो, कैसे बनेगी बॉडी की पूरी सीरीज है इस चैनल पे, और नया चैनल डेडिकेटेडली इसके लिए बनाया, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन, नहीं देखा है तो जाके देखो, वो है आपके लिए खतरनाक गाइड है।
हो गए मेरे 20 सवाल, 10 सवाल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए भैया, बताओ अब, बताओ, मैं सबसे नीचे जा रहा हूँ, और पेज सवाल अभी कोई आए नहीं है, सो इसके ऊपर जिसको सवाल चाहिए वो पेज सवाल कर सकते हैं, और हाँ, और जिसको भी पेट में दर्द है वो अब अपने सवाल डालें, ठीक है। अल्ट्रासाउंड शोज ओनली माइल्ड हेपेटोमेगाली एंड माइल्ड असाइटिस, इट्स इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन नहीं होता, उसका कारण ढूंढना होता है। माइल्ड हेपेटोमेगाली चल जाएगा, माइल्ड हेपेटोमेगाली कैन बी बिकॉज ऑफ सिंपल, थोड़ा सा फैट ज्यादा है, थोड़ा कभी कभी कोई माइल्ड इन्फ्लामेशन हो, लेकिन असाइटिस इज बैड। माइल्ड असाइटिस है भैया, आपको फाइब्रो स्कैन करना पड़ेगा, दारू पीते हो दारू बंद करनी पड़ेगी, दवाइयां ज्यादा खाते हो दवाइयां बंद करनी पड़ेगी, लिवर पे बैड इफेक्ट आ रहा है, लिवर खराब हो रहा हो सकता है। इसका इसका इलाज किसी डिटॉक्स से नहीं होने वाला, किसी डिटॉक्स टी, डिटॉक्स गोली, डिटॉक्स पता नहीं क्या क्या डिटॉक्स बना दिया दुनिया में, उससे नहीं होने वाला। कृपया लिवर को समझो, ठीक है, और टेस्ट कराओ इसको, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाओ, लिवर के टेस्ट कराओ। ऑल राइट, हर दिन राइट्स, एब्डोमेन में पेन क्यों होता है सर, अल्ट्रासाउंड में सब नॉर्मल है। अब अगेन ये चीज के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, इस चीज को थोड़ा समझना है। अगर राइट साइड में ऊपर दर्द है तो लिवर और गॉल ब्लैडर का हो सकता है, कई बार गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं दिखता, छोटा होता है या फिर फंसा होता है या निकल जाता है बीच बीच में, तो ERCP या दूसरे टेस्ट करने पड़ते हैं या CT स्कैन करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ता है। कई बार सिर्फ इंटेस्टाइन्स में सूजन होती है, कई बार इंटेस्टाइन्स में स्पाजम होता है, कई बार ब्लोटिंग होती है इंटेस्टाइन में, है ना, तो हमें बहुत सारे सोचने पड़ते हैं। अगर ये भी नॉर्मल है तो साइंस एंड सिम्टम्स में जाना पड़ता है, राइट। उसके लिए फिर अगेन आपको देख के, आपकी डाइट को देख के, आपको उसको देख के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या एक डॉक्टर बता सकता है कि कैसे करना है, ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन आपको मैंने इतना समझा दिया आगे सोचना कैसे है, ठीक है। उसके लिए फिर आप डाइजेस्टिव हेल्थ की सीरीज देखो, उसमें हाँ 2-3 चीजें अच्छी कर सकते हो, फाइबर्स बढ़ा दो, ये सब गोल खा लो, दही खा लो, पानी बढ़ा दो, लिक्विड बढ़ा दो, वो आपको मदद करेगा। शुड आई ट्रेन माई प्रोटीन पाउडर कंपनी मंथली, इज इट नेसेसरी माई ट्रेनर, ट्रेनर बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बार बार अपनी कंपनी बदलने की जरूरत नहीं होती है, प्लस इसमें कोई भरोसा नहीं है कौन कौन सी कंपनी ओरिजिनल है, तो अगर गलती से आपको ओरिजिनल कंपनी मिली, अगली बार नकली मिली, किसका भरोसा। सो इसलिए अगर आपको ओरिजिनल कंपनी मिली है एक बार की तो चलने दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटीन की क्वालिटी में नहीं है, प्रोटीन के सोर्स टाइप बदलने में मतलब है। हमने बोले, दुनिया बोलती है कि प्रोटीन का जो सोर्स है वैरायटी ऑफ सोर्स रखो, इसका मतलब ये नहीं है अब हमने कहा वैरायटी ऑफ सोर्स तो एक बार अमूल दूध पीऊंगा, एक बार मदर डेयरी पीऊंगा, एक बार वो पीऊंगा, एक बार ये सोर्स वैरायटी थोड़ी हुई। सोर्स वैरायटी का मतलब है आज मैंने ये गाय का पिया था, कल मैं वो गाय का पीऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब है सोर्स अलग रखो, सोर्स अलग मतलब वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एग, वे प्रोटीन, ये सोर्स में वैरायटी रखो, समझे जतिन जी। सर बलगम में ब्लड आ रहा है, ओहो, एज 32, 2 मंथ से खांसी है मगर ज़्यादा नहीं है। एक काम करिए, एक बार अपना बलगम की जांच कराइए, एक्सरे कराइए, ट्यूबरकुलोसिस TB गोल्ड कराइए, एक आपको जो खतरा है सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस का, बाकी डिहाइड्रेशन से भी कई बार गले में छील जाता है, 2 ब्लड आ सकता है, आज हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, देखो अब ऐसे में ना गड़बड़ हो जाता, जब मैं बोलता हूँ ना अच्छे बच्चे बना करो, जब मैं बोलता हूँ एब्डोमिनल पेन के सवाल पूछो, तब एब्डोमिनल पेन के सवाल पूछो, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होता है पढ़ने में दूसरे सवाल, है ना। शोल्डर ब्लेड्स पेन, ये फिर क्या फ़ायदा। ओके, गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स के लिए गॉल ब्लैडर की पूरी सीरीज है, नीचे जाके देखिए कल्पना जी। हेपेटोमेगैली विथ फैटी Grade 1, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही एब्डोमिनल पेन है, क्या मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं। कतई भी नहीं लेनी चाहिए, ना तो मेडिसिन, ना तो कोई डिटॉक्स डाइट, ना तो कोई और चीज़। लिवर हेल्थ के मेरा वीडियो देखो, नीचे शायद नई लिंक होगी, लिवर बाय डॉक्टर एजुकेशन, उसमें बताई गई चीज़ें नहीं करनी है, लिवर पे डैमेज नहीं करना है, वजन कम करना है, आपका लिवर ठीक हो जाएगा। आप डैश डाइट फॉलो करो, डैश डाइट बाय डॉक्टर एजुकेशन वीडियो देखो आप। ओके, हम देख रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, रात को डिनर के बाद फ्रूट खा सकते हैं क्या। देखिए फ्रूट खाने में डिनर के बाद प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रूट्स में भी 20% शुगर्स हो सकती हैं मैक्सिमम, राइट। सो अगर आप ऑलरेडी डिनर में अच्छे खासे कार्ब्स खा रहे हो, फिर स्वीट खा रहे हो, फिर फ्रूट खा रहे हो, तो शुगर्स बढ़ जाएगी। इसलिए फ्रूट्स को, सलाद खा लो जितना मर्जी डिनर के साथ, फ्रूट्स को थोड़ा सा गैप देके खाओगे तो बेहतर है, या फिर अगर आप कार्ब्स कम खा रहे हो डिनर में तो फ्रूट्स खा सकते हो, ठीक है। कैन होम्योपैथी वर्क और इट इज सर्टिफाइड मेडिकल हिस्ट्री। देखिए ऐसे सवाल यहाँ ना पूछिए, अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, उसके बारे में आप पबमेड पे जाके रिसर्च करिए,
what research says, you follow that. Anyway, चलो 24 मिनट 25 मिनट में खत्म करूंगा जी. Pain in lower abdomen both sides for last 3-4 years at night. I got relief morning after toilet. Okay, this is plain simple abdominal motion kind of a thing. ये कई बार हो सकता है, खाना खा लिया तो नीचे सूजन होगी, सुबह तक ठीक होगी, motion pass होने के बाद आराम हो गया. So what do you need a lot of water. आपके लिए diet, exercise, water. 3-4 लीटर 5 लीटर पानी पीना शुरू करो, जो भी पीते हो 1 लीटर बढ़ा दो. एक्सरसाइज एंड थर्ड इज फाइबर. आधा किलो सलाद या 2-3 चम्मच इसबगोल दिन में 2 बार एंड यू विल बी गुड इन अ वीक. एक हफ्ता लगेगा, ठीक हो जाओगे. घी ऑयल कितना खाना चाहिए? 1 चम्मच खा सकते हैं. वजन बढ़ाना चाहते हो तो जितना मर्जी खा सकते हैं, बच्चे जितना मर्जी खा सकते हैं, बड़े 1 चम्मच खा सकते हैं. वजन कम करना चाहते हैं तो भी 1 चम्मच खा सकते हो. कमर दर्द नहीं, ओवरी साइड पे बर्निंग पेन के कॉज PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लैडर इन्फेक्शन, ओवरी एंड सिस्ट. अल्ट्रासाउंड कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ. ऑल राइट. देखिए यही गड़बड़ होती है, इतने सारे लोगों ने सवाल पूछा है. मतलब क्या रॉ राइस खाना का मन होता है? खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके. रॉ राइस खाने में प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं. ऐसा नहीं कि पेट खराब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आपको टाइम लगेगा, किसी किसी को डाइजेस्ट नहीं होगा, पर ऐसा नहीं थोड़ी बहुत मात्रा में खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. किसी किसी को डाइजेस्ट होता ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. अगर आपको डाइजेस्ट होता कोई बात नहीं. चलो दोस्तों, आई डोंट थिंक अभी कोई पे कोई सवाल आ रहा है. पेट दर्द का सारे इधर उधर वाले सवाल पूछ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच. अगर आप में से किसी का सवाल नहीं आया तो आपसे हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं, और ऐसे ही वीडियो आते रहे. इसके लिए भगवान से दुआ करें कि हमारा चैनल आगे बढ़ते रहे, और आप अपना काम करें, चैनल्स के वीडियो शेयर करें. 26-26 मिनट के वीडियो बनाएंगे तो लोग नहीं देखेंगे ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन आप हमारे को गलत साबित कर सकते हो. इसको फैला दो, ठीक है, और कल हमें फिर गुड न्यूज दिलाओ कि भाई वीडियो दिख रहे हैं. ये कम है, ये 148 लोग लाइव आ रहे हैं, हमें 1048 लोग चाहिए, हमें 14,080 लोग चाहिए हमें, है कि नहीं? इतने सारे लोग लाइव आए तो मजा आएगा. थैंक यू सो मच गाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, और वीडियो बहुत सारे आते रहेंगे, देखते रहिएगा. और हमें YouTube पे, Instagram पे और मेरे दोनों चैनल्स को फॉलो करिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. और नए वीडियोस पे आप जो नया वीडियो आता है उस पे पहले 10-12 कमेंट्स जरूर उसमें डाला करो, उसको लाइक करके कमेंट डालोगे तो वो पहले कमेंट्स में जरूर पढ़ता हूँ. ठीक है, ओके, बाय, सी यू.